नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया, सहकार से समृद्धि जो 69th सेलिब्रेशन है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का, इस समय पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जो 14 नवंबर यानी आज से लेके 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। और वहीं मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो इस सेलिब्रेशन की जो आज इनॉग्रेशन है वो माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में स्थित जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में की गई। आप आगे आ जाओ ना थोड़ा, हमारे छोटे छोटे कॉर्पोरेटर्स जो इस साल बने हैं, क्या सेलिंग रहे गुलाब मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Regarding implementation of two concurrent cooperative acts in the UP, सबसे पहले मैं आप सभी को सहकारिता सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सहकारी समितियों से जुड़ा हर सदस्य, हर किसान आज माननीय प्रधानमंत्री जी तथा देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन की मजबूत इमारत निर्मित करने में एक नए युग की शुरुआत करने में जुटा है। मेरी शुभकामनाएं ऐसे सभी कर्मठ मित्रों के साथ भी हैं। जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तथा अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इन तीनों संस्थाओं में लगभग 255 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन किया गया है। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगांव, पुलवामा, कुलगांव के सहकारी सुपर बाजार का आधुनिकीकरण और 5 अतिरिक्त सहकारी बाजार भी साल शुरू हो रहे हैं। और उसमें जो प्रसन्नता की बात है, ये सब जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे सरकारी विभाग सीधे तौर पर खरीद कर सके। डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी आज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी 11 करोड़ की डीपीआर तथा पॉलिसी के लिए 3 समितियों ने 3 करोड़ की डीपीआर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन को प्रस्तुत किया है। हर गांव में एक पैक्स हो, वह बहुउद्देशीय और बहुआयामी हो, इसकी दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे बताया गया कि 537 पैक्स को केंद्र सरकार के कंप्यूटराइजेशन स्कीम के लाभों के लिए
किया गया है। 3 सालों में 1200 पैक्स के रिवाइवल का भी लक्ष्य रखा गया है। मुझे लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक सही प्रयास हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि पैक्स से लेकर एपेक्स तक की श्रृंखलाबद्ध वृद्धि के लिए जो प्रयास है ये जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगे। तब तक हमारी डेवलपमेंट पीछे रहती है और जब से ये एफपीओस 2020 में 10,000 एफपीओस का गठन की बात हुई तब से हम देख रहे हैं कि साथ में ही यूटी बनना और हर ब्लॉक के ऊपर एफपीओस का आना और 500 डेयरी एफपीओस की मंगला राय कमेटी जब बात करती है तो फॉर्मली तो हम कहते हैं कि ये एफपीओ है लेकिन अब हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि पॉपुलर नेम एफपीओ है लेकिन संगठन वो एक डेयरी कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसका व्यापार बनाता है। आज अगर 1,000 कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है मैं फिर सेक्रेटरी मैडम को मुबारकबाद दूंगा कि आपने पूरा का पूरा 1,000 क्रॉस करके दिखाया। श्री मनोज सिन्हा जी एडवाइजर साहब, श्री आरआर भटनागर जी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स, श्रीमती यशा मुदगल जी यहाँ बैठे हुए जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग। Other things, highest farmer incomes in the country. What sets them apart is the fact that in all these states, श्री मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल यूटी ऑफ जैन के, श्री अटल डुल्लू साहब, सुश्री यशा मुद्गल जी यहाँ पर उपस्थित, अन्य अधिकारीगण, कोऑपरेटिव्स के ऑफिस बेयरर्स, कोऑपरेटिव्स के सदस्य वीक मना रहे हैं इस शुभ दिन पर। यहाँ का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके महत्व को देखते हुए ये बात सही थी कि वो उसमें विशेष कोई सक्रियता नहीं थी लेकिन पिछले 2 सालों में इसमें एक नई जान फूंकी गई है और हमें सबको इस बात का विश्वास है कि आगे आने वाला समय कोऑपरेटिव्स के लिए एक स्वर्णिम काल होगा। मेरे साथ समय सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव के जशा मुदगल जी हैं। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है इस समय जो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है 27 साल बाद रिवाइव होने जा रही है। मैम आपकी अध्यक्षता में 27 साल बाद फिर डेयरी फेडरेशन जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? रिवाइव नहीं हो रही है, पहले कभी बनी ही नहीं है। 27 साल पहले कोई फेडरेशन बने थे जो डेयरी कोऑपरेटिव्स के नहीं थे और पिछले 2 सालों में डेयरी का जो प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर में, मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत मेनी फोल्ड्स इंक्रीज़ हो गया है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे ट्राइबल बेल्ट्स में रहने वाले लोग हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, जो सारे हमारे डेयरी फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फेडरेशन को हमने इसलिए बनाया है कि वो इस फेडरेशन के साथ जुड़ते जाएं, इसका अम्ब्रेला बड़ा होता जाए और क्योंकि ये एपेक्स लेवल फेडरेशन है तो इसकी नेगोशिएशन पावर जो होगी वो नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स में होगी। जैसे जैसे ये फेडरेशन पनपेगी और बड़ी होगी और बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स जम्मू कश्मीर के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो इस फेडरेशन के बनने से जो सरप्लस मिल्क जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे। ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय वेर का, अमूल जो बड़े नाम है और जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी उनका दबदबा है, उनके लेवल का ये जो है वो फेडरेशन काम कर सकती है। अमूल को अमूल बनने में 90 वर्ष लगे हैं। 90 वर्ष पहले अमूल की शुरुआत हुई थी, 1930s या 1920s में कभी, शायद 40s में कभी अमूल की शुरुआत हुई है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अमूल बनने में बहुत सालों की मेहनत और काफ़ी वक्त लगता है लेकिन उस समय में और अब के समय में डिफरेंस है। उस दिशा में ये कदम माना जा सकता है, पहले जो पेस थी डेवलपमेंट की और ये जो पेस है इसमें फ़र्क है, ये उसी दिशा में बिल्कुल कदम है जिसमें वेरका है पंजाब में, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, नंदिनी कर्नाटका में है, वेरका है,
सरस है राजस्थान में, ये सब पहले छोटे छोटे डेयरी प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने खुद को जोड़ के एक फेडरेशन बनाई और उस फेडरेशन ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया, उसको उसके लिए मार्केट्स ढूंढे, सप्लाई चेन्स को पकड़ा और अपने डेयरी फार्मर्स की इनकम में इजाफा किया। तो बिल्कुल ये उन्हीं लाइन्स पर बनाई गई है, उसी ड्रीम के साथ बनाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि भगवान की दया से उस ड्रीम को हम कुछ समय में रियलाइज़ करेंगे और एलजी साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें इसमें और अब ऑल इंडिया लेवल पे आपको पता है कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जितना कोऑपरेटिव्स के लिए है कभी नहीं होगा। दिस शैल बी द गोल्डन एज फॉर कोऑपरेटिव्स और सभी को इस मूवमेंट के साथ जुड़ के और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट का जिक्र आ रहा है, एलजी साहब का जिक्र आ रहा है, उन्होंने कहा कि जब तक आखिर विलेज तक और जब तक आखिरी फार्मर को ये सपोर्ट ना मिले तब तक ये पॉसिबल नहीं है, वो किस तरीके से अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा, अनटैप्ड जो फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से टैप करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इंडिविजुअल फार्मर की एक लिमिटेड कैपेसिटी हो सकती है, जैसा कि एक एज ओल्ड सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अकेला व्यक्ति वो अकम्प्लिश नहीं कर सकता, लेकिन अकेली उंगली वो अकम्प्लिश नहीं कर सकती, लेकिन इस हाथ को जोड़ के अगर हम एक मुट्ठी बना लें तो इसकी ताकत मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। वही पावर फार्मर को देने के लिए, क्योंकि एक दूर के कोने में जो एलजी साहब ने कहा कि एक गरीब फार्मर अगर बैठा है उसको ना इतनी अवेयरनेस है, ना नॉलेज है, ना उसके पास उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही नॉलेज, वही अवेयरनेस, वही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का काम सहकारिता करेगी। अगर हम 500 फार्मर भाइयों को बहनों को जोड़ के एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, उस कोऑपरेटिव के हम इलेक्शंस करवाते हैं, उनको एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट देते हैं, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो 5 लीडर्स हैं ये इनकी वॉइस को और इनकी प्रोड्यूस को ऑल इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल फोरम्स में ले जाने का काम करेंगे। जैसा कि हर किसी सेटअप में आपको पता होगा, कुछ लोग हैं जो एक ग्रुप की अगुवाई करते हैं और उनकी वॉइस को पावर दे करके और उनकी वॉइस को बल दे करके आगे जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एक अम्ब्रेला में जोड़ना और उनको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी देना जो अब फार्मर्स की भलाई के लिए, और कोऑपरेटिव्स में देखिए क्या है, कोऑपरेटिव्स में जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के या शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो उस कोऑपरेटिव के हर एक मेंबर के पास जाएगा। तो जो एलजी साहब ने कहा कि इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव से ज़्यादा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। प्राइवेट एंटरप्राइज कभी भी अपने सारे मेंबर्स को उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना कोऑपरेटिव से। कोई फार्मर्स अगर जुड़ना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, किस तरीके से वो अप्रोच कर सकता है? कोई हमारा पूरा सेटअप है, रजिस्ट्रार हमारे बैठते हैं, JNK UT के एक रजिस्ट्रार हैं जो कोऑपरेटिव्स को रजिस्टर करते हैं। फार्मर्स जुड़ करके अपनी एप्लीकेशन ला करके हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स और डिप्टी रजिस्ट्रार्स को देंगे, अपने बायलॉज और जो भी बायलॉज उन्हें बनाने हैं उसको फ्रेम करने में भी डिपार्टमेंट अब उनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज उनको मदद में उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन को पूरे फुली अच्छे से प्रिपेयर करके सीधा ऑनलाइन चढ़ाया जाता है एंड विद इन 10 to 15 days एक कोऑपरेटिव रजिस्टर हो जाती है। तो जो प्रोसेस पहले 2-2 साल लेता था उसको अब 15 दिन में किया जा रहा है। एक वजह की 14 महीने में आपने ये सारी काम कर दिखाई, 1300 से ज़्यादा नई कोऑपरेटिव रजिस्टर हुई हैं बहुत सारी डेयरी में है जो अब हमारी इस डेयरी फेडरेशन से जुड़ेंगी। तो काम में तेज़ी आ रही है, लेकिन जैसा कि एलजी साहब ने कहा कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, हमारी आँखें अब खुली हैं और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना है, तो बहुत मेहनत करनी है अभी आगे, बहुत मेहनत करने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने देखा सहकार से समृद्धि के जरिए जो है वो अभी फार्मर्स को खासूस तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर एम्पावर करने की बात की जा रही है, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत बड़ी बात जो आज की गई, जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन के जो है आज बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में डेयरी प्रोडक्ट्स को और डेयरी सेक्टर को मैं कहूँगा कि उसको आगे बढ़ाया जाने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो बेरका अमूल जैसी बड़ी कंपनी है उसी दिशा में जो एक बहुत बड़ा कदम जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में उठाया गया है। और इसके साथ साथ किसानों को किस तरह प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए फ़ायदा मिल सके, उन सारी चीज़ों पे जो है बातचीत की गई। बड़ी बात जो एलजी साहब ने यहाँ पे की है वो ये है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की भागीदारी में उन्होंने कहा कि डिप्राइड सोसाइटीज़ जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर्स जो जिनकी इतनी ज़्यादा जन भागीदारी नहीं है उनकी उनकी पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी के ऊपर बातचीत की गई है। तो ये बड़ी बात जो है वो यही है कि इस समय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ की पॉपुलेशन जो लगभग 70% पॉपुलेशन यहाँ की जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है उनको जो है पावर करने की बात की जा रही है। बहरहाल आप इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में किस प्रकार से अपने विचार रखते हैं हमें
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गिरिजम वर्चुअल के साथ। कैमरन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।